हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुजरात बोर्ड क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एंशियंट टाइम से ही इंडिया एक वेरी इनकम्पेरेबल पोजीशन होल वर्ल्ड में जो है इंजॉय करता है, एंड इसके वेरियस रीजन भी हैं, जैसा कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस जो इंडिया का रहा है, यूनिक कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन एंशियंट टाइम अट्रैक्ट्स मेनी अदर लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड हु इन्वेडेड इंडिया एंड सेटल्ड हियर। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस थे उसके लिए डिफरेंट नेशन से लोग जो है इंडिया की तरफ आए। इंडियन जो स्पाइसेस हैं, मसलिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, इन सभी प्रोडक्ट का आउटसाइड ऑफ इंडिया जो यूरोपियन नेशन हैं एंड अदर कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड था। इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड होता था एंशियंट टाइम में, और ये जो ट्रेड होता था वाया लैंड रूट, ओके, लैंड रूट और सी रूट दोनों से होता था। और ये जो दोनों जो ये रूट्स हैं इनका एक मेन सेंटर होता था जिसका नाम इस्तांबुल होता, टर्की, ठीक है ना, टर्की में इस्तांबुल टर्की में आता है, और उसका जो ओल्ड नेम है कॉन्स्टेंटिनोपल। सो इंडियन ट्रेडर इंडिया से यूरोप या यूरोपियन ट्रेडर जो भी इनके बीच इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड होते थे तो वो एक मेन सेंटर पॉइंट था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इस्तांबुल, ओके। सो ये इस्तांबुल किसका सेंटर था, मेन लैंड रूट और सी रूट दोनों का। इस पे 1453 एडी में जो टर्किश मुस्लिम एम्पायर है उस समय ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था टर्की पे एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप पे, एंड टर्किश मुस्लिम एम्पायर 1453 एडी में कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक कर दिए और उसको कंक्वेस्ट कर लिए, उसको विन कर लिए। ड्यू टू दिस कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैड बीन स्टॉप्ड। सो देर इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन इन दैट टाइम। यूरोपियन पीपल इंडियन स्पाइसेस, मसलिन और क्लोथ के बिना वो जो है सर्वाइव, या फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल था सर्वाइव कर पाना, बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। जो ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, वे लोग इंडिया से जो इम्पोर्ट करते थे स्पाइसेस एंड मसलिन, सिल्क क्लोथ, इन सबको उन्हें यूरोपियन मार्केट में सेल करके बहुत अच्छा खासा जो है बेनिफिट, प्रॉफिट कमाते थे। सो यूरोपियन ट्रेडर के लिए भी ये ज़रूरी था और वहाँ के जो पब्लिक थे उनके लिए भी डिमांड था। सो यूरोपियन पीपल फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। ये मजबूरी उनकी बन गई एक तरह से नए रूट डिस्कवर करने के लिए, और इस तरह से एक न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरी की शुरुआत हो गई। इसके लिए बहुत सारे जो यूरोपियन रूलर थे, जैसे पुर्तगीज रूलर प्रिंस हेनरीज, स्पेन रूलर ऑफ स्पेन, इन लोगों ने अपने यहाँ के जो एक्सपर्ट सेलर्स थे उनको इनकरेज करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, जिससे कि ये लोग यूरोप से बाहर निकल करके सी रूट को डिस्कवर करें, इंडिया के लिए, इंडिया की तरफ जाने के लिए सी रूट डिस्कवर करें। इसमें बहुत सारे लोग बाहर सेलर्स जो है अपने एक तरह से चैलेंज लेकर के इसको निकले सी रूट्स डिस्कवर करने के लिए डिस्कवरी पे। उनमें से जो प्रिंस हेनरी था, पुर्तगाल किंग, उसने बार्थोलोमेउ डियाज को इनकरेज किया और उसने उसको मॉनेटरी हेल्प और पैसे वगैरह प्रोवाइड किए।
और इसके बाद जिसके वजह से बार्थोलोमेओ डियाज जब सी रूट डिस्कवर करने के लिए निकला तो उसने एक न्यू सी रूट केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करी। ठीक है, सो अफ्रीका से लेकर के यूरोप से लेकर अफ्रीका तक उसने जो है केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करी। अगेन एक और स्पेनिश जो सेलर्स थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने जो है एक वेस्ट इंडीज़ की डिस्कवरी की जो इंडियन अटलांटिक ओशियन में सिचुएटेड था विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ किंग ऑफ स्पेन। लेटर टाइम में अमेरिको वेस्पुसी इसने जो है ये वेरीफाइड किया कि जो एक जो न्यू लैंड क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो न्यू कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया था वो अमेरिका है, दैट्स वे उसका नाम जो है अमेरिका पड़ गया। सिमिलर फैशन में सिमिलरली जो है अगेन एक पुर्तगीज सेलर वास्को डिगामा इंडिया की तरफ निकला और 1498 में इंडिया की कालीकट कोस्ट पे, केरला कोस्ट के कालीकट प्लेस पे जहाँ का किंग जो है जेमोरिन था पहुँच गए। और फिर इस तरह से यूरोप से इंडिया तक जो है न्यू सी रूट डिस्कवर किया वास्को डिगामा ने। और जिस समय 1498 पे वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा वहाँ का किंग जेमोरिन था, उसने उसका वेलकम किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि विच अमेरिकन जो है पहली बार आए इंडिया में, तो वह पुर्तगीज था वास्को डिगामा। अब जब न्यू सी रूट डिस्कवर हो गया तो फिर अब आता है जो ऑल यूरोपियन है, बहुत सारे यूरोपियन इंडिया में पहुंचने लगे। सो अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया, पुर्तगीज पहला था जो इंडिया में अराइव करने वाला था और न्यू सी रूट डिस्कवरी किया। उसके बाद विद इन द 100 ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर मेनी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आकर के जो है बिजनेस करना शुरू कर दिया। बट इसी बीच जो है पुर्तगीज हैं इन लोगों ने जो है इंडिया के बहुत सारे रीजन पे कंट्रोल कर लिया, जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का। और जब पुर्तगीज इंडिया में आकर इस तरह के रीजन टेरिटरी एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए तो उनको देख करके, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द पुर्तगीज सक्सेस इन ट्रेड, डच जो कि हॉलैंड से आए थे, डच, डेनिश इंडिया में आए, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आए, डच के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद ब्रिटिश आए, ठीक है ना, ब्रिटिश के बाद जो है फ्रेंच आए, तो फ्रेंच जो है सबसे लास्ट में इंडिया में आए। ओके, सो हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जो है किसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि चैप्टर नेम से ही दिया गया है कि हम लोग को ब्रिटिश रूल के बारे में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, फ्रेंच रूल के बारे में हमको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से हुआ। 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन गेव परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुआ, और उसी समय क्वीन एलिजाबेथ जो उस समय ब्रिटेन की किंग क्वीन थी उन्होंने परमिशन दिया कि ईस्ट एशियन नेशन के साथ ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेसिफिकली इंडिया के साथ। सो जो फर्स्ट शिप है अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में पहुंचा। अंग्रेजों का सबसे पहला जो जहाज है वो कहाँ पहुंचा? सूरत में। कब? 1602 में। ओके, किसके लीडरशिप में? अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम। सो ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पुर्तगीज, इस रीजन में जो पुर्तगीज थे उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था क्योंकि पुर्तगीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे। सो ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पुर्तगीज इंग्लिश ट्रेडर को जो है इंग्लिश ट्रेडर सूरत में अपना सेंटर, ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश नहीं
कर पाए, ठीक है। फाइनली ये लोग हमेशा ट्राई करते रहे सेंटर एस्टेब्लिश करने का, बट फाइनली इन 1613 एडी ब्रिटिश गॉट परमिशन फ्रॉम जहांगीर, मुगल रूलर। उस समय जहांगीर जो है मुगल रूलर था, इंडियन रूलर, और 1613 एडी में जहांगीर के परमिशन से फर्स्ट जो ट्रेड सेंटर है, जिसको कि पहले कोठी कहा जाता था ट्रेड सेंटर को, सूरत में ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किया। ओके, जो ब्रिटिश का ट्रेड था वो सूरत, अहमदाबाद, भरूच, ऐसे सभी जगहों पे उन्होंने इनिशियली एस्टेब्लिश किया। लेकिन जल्दी ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा महसूस होने लगा मराठा से और पुर्तगीज से। दैट्स वाई ये लोग जो है अपनी बिजनेस कोठी को, ट्रेड सेंटर को साउथ और ईस्ट की तरफ मूव कर दिए। और साउथ में ये लोग जो है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेंट जॉर्ज चेन्नई में, फोर्ट विलियम कोलकाता में अपना ट्रेड सेंटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किया। और 1887 तक मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडक्वार्टर बन गई। ओके, तो ये था अराइवल ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। सबसे पहली बार जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1668 एडी में इंडिया में आया, और उसके आने के बाद उसने माहे, करैकाल, पुंडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम में अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया। माहे जो कि केरला का पार्ट, करैकाल तमिलनाडु, पांडिचेरी भी तमिलनाडु में है, चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में था, एंड मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। टोटल 3 मैसूर वार हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ओके, एक्चुअली ड्यूरिंग दिस टाइम इन यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कोलोनाइजेशन बढ़ रहा था। सो यूरोप में भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कॉलोनीज को लेकर के टेंशन चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रहा था। सो उसका रिजल्ट जो है इंडिया में भी देखने को मिला, और इंडिया में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में फाइट करने लगी। 1746 से लेकर के 1763 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 वार फाइट किए, जिसको कि 3 मैसूरू वार कहा जाता है। और इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार गई, और हारने के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बहुत सारी टेरिटरी को छोड़ दी, या उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और उसके जो पहले ट्रेड सेंटर थे, जैसे माहे, करैकाल, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, पुंडुचेरी, ऐसे जगहों को छोड़ करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया में कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकती थी, ऐसा अग्रीमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया